तभी आप दे सकते हैं। ये कंप्यूटराइज जो कंडा है, ये कुछ साउंड वगैरह जो है वो एरेज भी दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे एरेज वगैरह जो है वो आ रहा है बैटरी लो का LB। तो सिंपल आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटराइज कंडे की बैटरी चेंज करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम कंडे को ऑफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर कंडे का बैटरी चेंज करने का तरीका। तो अभी यहाँ से हम पेच वगैरह जो है वो रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसकी बैटरी जो है वो चेंज करेंगे करने हैं। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। ये इसकी दो अदद किट है जो कि कंप्यूटराइज है, और एक ये किट है इसकी, और साथ में ये वाली बैटरी है जो कि 4 वोल्ट की है। ये एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं 4 वोल्ट की ये हमारे पास बैटरी है, और हम पहले वाली बैटरी को ब्लैक को रिमूव करेंगे और ये बैटरी हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर को अच्छे तरीके से थिम्बल वगैरह लगा लिए। तो पहले वाली जो पुरानी बैटरी थी उसके साथ काविये से टांके लगा के वायर को अच्छे तरीके से मजबूत किया हुआ था। तो अभी हमारे पास काविया नहीं है, लेकिन हमारे पास थिम्बल है। तो अभी हमारे पास काविया अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास थिम्बल है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास थिम्बल है। तो थिम्बल की मदद से हम बैटरी को अटैच करेंगे। तो अभी हम नई बैटरी जो है वो इस पे इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक वाली वायर जो है वो ब्लैक के साथ अटैच कर दें। तो आप देख सकते हैं हमने नई बैटरी जो है वो इंस्टॉल कर दी है, थिम्बल वगैरह इसके अच्छे तरीके से अटैच कर दी है, और अभी हम इसको इसी जगह पे फिक्स करेंगे। तो क्लम्प वगैरह जो है इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को यहाँ पे फिक्स करेंगे। पहले आप देख सकते हैं इसको भी हमने अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया, और हमारा सर्किट भी अभी फिक्स हो चुका है। अभी हम बड़ा सर्किट जो है वो फिक्स करेंगे। तो बड़े सर्किट के भी आप देख सकते हैं ये थिम्बल हैं। तो बड़ा थिम्बल बड़ी जगह पे, और छोटा थिम्बल जो है वो छोटी जगह पे लगाएं। बहुत ही ईजी तरीके से थिम्बल वगैरह इसके इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अभी हमने बैटरी जो है वो फिक्स कर दी है, और वायर वगैरह भी अच्छे तरीके से लगा दिया। अभी हम इसको क्लोज करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आपने भी इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद आपने इसकी बैक साइड पे जो आपने 4 पेच रिमूव किए थे वो आपने 4 पेच लगा लेने हैं। तो अभी हम पेच लगाएंगे। तो अभी हमने कंडे को ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा अभी जो कंडा है वो ऑन हो चुका है। तभी हम कोई सी भी प्राइस लिखेंगे तो वो प्राइस इस पे आ जाएगी। तो जो पुरानी बैटरी थी उसका भी आप वोल्ट चेक कर सकते हैं, 3.7। ये बैटरी जो है वो ओल्ड थी, ये ख़राब हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।